Hello everyone, this is Preeti Patish, Lecturer English, Ludhiana. In the series of Basics of English Grammar, I am continuing with part 2, that is articles. To watch part 1, you can check the link in comment section. Articles. In English, there are 3 articles, a, an, and the. Articles are among the most common of the determiners. They are used before nouns and modify noun. They function as adjectives. Articles define a noun whether it is specific or general. English which tin tarah de article hunde han, a, an, and the. Articles डिटर्मिनर्स दे विच सब तो ज़्यादा कॉमन होंदे हन। ए नाउन तो पहला वरते जांदे हन अते एह नाउन नू मॉडिफाई करदे हन, पावो नू सोधदे हन, ए एडजेक्टिव दा काम करदे हन। आर्टिकल दसदे हन कि वह जिहड़ा नाउन है जिहदे अगे लगदे हन वह खास है, स्पेसिफिक है या जनरल है या आम ही है। Before explaining types of articles, I want you to look at these 2 sentences. After the long day, the cup of tea tasted particularly good. After a long day, a cup of tea tastes particularly good. By using the article the, we have shown that it was one specific day that was long and one specific cup of tea was tasted good. इस सेंटेंस विच द लगा के असी ए शो कीता है कि एक खास दिन, एक खास लंबे दिन तो बाद पीता गया वो खास चाह का प्याला कितना स्वाद सी। ते दूसरे सेंटेंस विच बाय यूजिंग द आर्टिकल अ वी हैव क्रिएटेड अ जर्नल स्टेटमेंट इंप्लाइंग दैट एनी कप ऑफ टी वुड टेस्ट गुड आफ्टर एनी लॉन्ग डे। दूसरे सेंटेंस विच ए दी वरतों की गई है, भाव यह एक जर्नल स्टेटमेंट है कि किसी भी लंबे दिन तो बाद पीता गया चाह का प्याला, भाव कोई भी चाह का प्याला बहुत स्वाद लगता है। इंग्लिश हैज 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। लेट्स डिस्कस देम नाउ इन मोर डिटेल। डेफिनेट आर्टिकल द, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। It defines its noun as something specific, that is something previously mentioned or known, something being identified by the speaker. The ek definite article hai. A noun nu ek khas tarike naal paribhashit karda hai, paav jis bare pehla to hi kite zikr aaya hove ja speaker usnu pehla to hi janda hove. For example, the boy is sick. The boy, this is a particular boy that is one already known to the reader. Paav reader usnu pehla to hi janda hai, us ladke nu pehla to hi janda hai jis bare itthe gal kiti gayi hai. One more sentence. Your friend might ask, are you going to the market this weekend? The definite article tells you that your friend is referring to a specific market that both of you know about. दूसरे सेंटेंस विच द मार्केट की वरतों की गई है, भाव इत्थे तुहाडा फ्रेंड तुहानू वीकेंड तक मार्केट विच जाण बारे पूछ रहा है जिस बारे तुहानू दोनों नू पहला तो ही पता होवे। डेफिनेट आर्टिकल द कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर, प्लूरल और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस। डेफिनेट आर्टिकल द एकवचन, बहुवचन, गिने जा सकन वाले या ना गिने जा सकन वाले नाउंस दे नाल वर्त्या जांदा है। फॉर एग्जाम्पल, द रोज स्मेल्स गुड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद अ बॉल, द स्टार्स शाइन एट नाइट, प्लीज गिव मी द हैमर एंड द नेल। पहले सेंटेंस विच रोज सिंगुलर नाउन है, उस नाल असी द दी वरतों कीती है। दूसरे सेंटेंस विच चिल्ड्रन प्लूरल भी है ते काउंटेबल भी है, सो इस नाल भी असी द दी वरतों कीती है। थर्ड सेंटेंस विच स्टार्स
जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, एंड इन फोर्थ सेंटेंस द हैमर एंड द नेल, बोथ ऑफ दीज आर काउंटेबल नाउन्स, पाव एंड नाउन असी गिन सकते हैं। सो हेयर वी विल डिस्कस वेयर वी कैन यूज द। द इज यूज विद प्लूरल नेम्स ऑफ पीपल, ग्रुप्स एंड प्लेसेस। द इज यूज विद प्रॉपर नेम्स ऑफ बुक्स लाइक द श्रीमद भगवत गीता, द होली कुरान। वी यूज द विद दीज होली बुक्स। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, सीज, रिवर्स, द अरेबियन सी, द गेंजेस, द जमुना, कैनाल्स, द सतलुज यमुना लिंक कैनाल, द सरहिंद कैनाल। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ ब्रिजेस, द हावड़ा ब्रिज। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, द शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन्स। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स एंड द कंट्रीज विच कंसिस्ट द वर्ड्स स्टेट्स, रिपब्लिक, किंगडम, फेडरेशन विद देयर नेम्स। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द चेक रिपब्लिक, द फिलिपाइंस, द मालदीव्स। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस एंड कम्युनिटीज। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, द क्रिश्चियन। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ होटेल्स, म्यूजियम्स एंड सर्टन बिल्डिंग नेम्स। फॉर एग्जाम्पल द ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटेल्स, द ताजमहल। We use the before the last names of families in the plural. For example, the Madans, the Malhotras. We use the before the names of newspapers and magazines. For example, the Top Gear, the Hindustan Times. We use the before the superlatives of adjectives. For example, the best boy in the class, the tallest building in the world. We use the with the whole group or class. For example, the working class, the middle class. We use the with few expressions of the English language. For example, all the colleagues, both the sisters. We use the before a singular noun when it refers to a particular class or group. The rule can be understood with the help of the following example. The luxury car is a rich man's vehicle, the luxury car. My brother has joined the NDA. Here we are talking about a particular class or a group. The is not used with the proper names of persons, countries, states, lakes, mountains, street names, airports, stations, before abstract nouns, names of meals, colors, plural nouns. The is not used before the names of games. So here I have given the examples along with the nouns with which definite article the is not used. In definite article A, N. A and N are called the indefinite articles. They define their noun as something unspecific, that is, something mentioned for the first time. The indefinite article is used only for singular nouns. It is not used for plural nouns. A ate N, ye dono indefinite articles han. ये दसते हैं कि नाउन जो है वो खास नहीं है, भाव जिसके बारे पहला कदे जिक्र ना आया होवे। इनडेफिनिट आर्टिकल्स हमेशा एक वचन नाउन के नाल वरते जाते हैं,
ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਨਾਊਨਸ ਭਾਵ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਊਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅ ਬੋਏ ਇਜ਼ ਸਿੱਕ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਈਟ ਐਨ ਐਪਲ। ਇਨ ਦੀਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬੋਏ ਐਂਡ ਐਪਲ ਬੋਥ ਆਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਅਨਸਪੈਸੀਫਾਈਡ, ਮੀਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਟ ਨੋਨ ਟੂ ਦ ਰੀਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਏ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਨਾਓ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਨ ਡੂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਐਨ ਐਂਡ ਏ? ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਏ ਔਰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਦਿਸ ਮਿਸਟੇਕ ਅਕਰਸ ਬਿਕੋਜ ਰਾਈਟਰਸ ਬਿਲੀਵ ਐਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਅ ਵੋਵਲ ਐਂਡ ਏ ਬਿਫੋਰ ਅ ਕੰਸੋਨੈਂਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਐਕੂਰੇਟ। An is used before a vowel sound and A is used before a consonant sound. The word sound is important because consonants can create vowel sounds and vowels can create consonant sounds. Therefore, the use of an or A is determined by the sound, not the letter. Sab to common mistake jo hundi hai ਉਹ ਹੈ ਐਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੋਵਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਊਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਵੋਵਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਵਲਸ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਨ ਔਰ ਏ ਦਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੈਟਰ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਅ ਹਾਊਸ ਐਨ ਆਰ। ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਆਰ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਥ੍ਰੀ ਲੈਟਰਸ, ਹਾਊਅਰ house attracts a and r attracts an. This is because house starts with the consonant sound and r starts with the vowel sounds. And dono examples which a house nal a lagya hoya hai, a lagya hoya hai and r nal an lagya hoya hai. House te r dono start same letters nal hunde han, h o u dono vich aunda hai, par ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਰ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਅ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ, ਅ ਇੱਕ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੋ, ਐਨ ਅਨਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਮੈਨ। Uniform and unidentified start with the same three letters. However, uniform attracts A and unidentified attracts N. This is because uniform starts with the consonant sound U, but unidentified starts with the vowel sound A. At the core example, a uniform row and unidentified man. At the uniform at the unidentified सेम तीन लैटर्स के नाल ही शुरू होंदे हन, पर यूनिफॉर्म नाल ए लगता है और अनआइडेंटिफाइड नाल एन लगता है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक कॉन्सोनेंट साउंड यू नाल स्टार्ट होंदी है, बट अनआइडेंटिफाइड एक वोवल साउंड दे नाल स्टार्ट होंदा है। सो बी स्पेशली केयरफुल विद एब्रीवेशंस एंड एम ओ टी। So MOT is an abbreviation here. So that's why the letter M starts with the vowel sounds. So we are using N before that abbreviation. NLRS, the letter L starts with the vowel sound. That's why we are using N before LRS. A US diplomat. The letter U starts with the consonant sound. That's why we use A with US diplomat. Abbreviation de vich
खास ध्यान रखना हुंदा है ए ते एन दी वरतों दा। एन एम ओ टी एम एम जिवें कि वॉवल साउंड दे रहा है इस करके असी इस नाल एन लगाया है। एन एल आर एस एल एक वॉवल साउंड दे रहा है इसलिए इस नाल असी एन लगाया है। अ यू एस डिप्लोमेट यू एस यू दी साउंड दिंदा है भावे कंसोनेंट दी साउंड दिंदा है जिस करके इस नाल ए लगता है। नाउ वेयर वी कैन यूज आर्टिकल ए। आर्टिकल ए इज यूज विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अ पेट नीड्स लव, अ फादर डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज चिल्ड्रन। इन दीज सेंटेंसेस वर्ड्स पेट एंड फादर आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्लासेस। आर्टिकल ए is used before a noun to express a quantity. For example, I need a dozen bananas. I need to buy a couple of books. A is used before the units of price, speed, ratio, weight, etc. For example, this bike gives 35 kilometers a liter. You can run a mile in just 5 minutes. A is used before certain numbers or monetary units. For example, I want to earn $1 billion by the age of 40. Can you lend me 100 rupees? A is used before the expression of frequency. For example, put these ear drops twice a day. Wash your face 3 times a day in summers. A is also used before certain exclamatory expressions. What a beautiful morning! What a cute dog! The words historic, historical, historian, horrific, and even hotel are worthy of special mention because they are often spoken and written with the wrong version of the indefinite article. All of these words start with the consonant sound, therefore their article is A, not N. Words like historic, historical, historian, horrific and even hotel, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵਰਡਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਨ ਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਟੋਲਡ ਦ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੋਮੈਂਟ। ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਸਪੈਂਟ ਆਲ ਵੀਕੈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨੋਵਲ। ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਲੁਕਸ ਫੋਰ ਦ ਕੌਜ਼ ਆਫ ਦ ਈਵੈਂਟ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮੈਨ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦ ਈਵੈਂਟ। The idea of bringing a new life into such a horrific world made her feel sick. He stayed at a hotel for a couple of days. So these are the keywords that you have to remember at the end of this session. The is called the definite article because it is used to indicate something specific. द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो कि किसी खास नाउन नू इंडिकेट करने लई वरत्या जांदा है। ए एंड एन आर कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे आर यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग जर्नल। ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं क्योंकि यह आम चीज़ों के लिए उन्होंने इंडिकेट करने लई वरते जाते हैं। Use an before a vowel sound and a before a consonant sound. Note the word sound. An vowel sound de agge vartna chahida hai ate a hamesha consonant sound de agge vartna chahida hai. Ethe shabd sound da dhyan rakho. Sports don't have an article. Sports de naal kade vi kise vi article di varto nahi kiti jandi. For example, he plays football. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
illnesses don't have an article. For example, he's got appendicitis. There are several medications that can be used to treat malaria. In both of these sentences, we don't use any of the article. The indefinite article is used with names of certain illnesses. For example, is it a cold or just an allergy? I have a headache, but the flu is a virus that can make you sick for a week or longer. पहले सेंटेंस विच कोल्ड दे नाल ए दी वर्तों कीती गई, नेक्स्ट विच हैडेक दे नाल भी ए दी वर्तों कीती गई, पर नेक्स्ट फ्लू दे विच द दी वर्तों कीती गई। सो इस चीज़ का बड़ा खास ध्यान रखना है कि आर्टिकल दी वर्तों कित्थे अते किवें कीती जानी है। आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन विद अ ब्यूटिफुल कोट, इफ लैंग्वेज इज अ फ्लावर then without grammar, it will not smell. Thank you. Stay home, stay safe.